नमस्कार, आप देख रहे हैं सिल्क टीवी और मैं हूं आपके साथ निशा। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। बिहार सरकार के द्वारा जातिगत जनगणना की शुरुआत कर दी गई है। इस दौरान डोर टू डोर जाकर 12 करोड़ से अधिक की आबादी और 2.5 करोड़ से अधिक घरों का सर्वे किया जाना है, जबकि सर्वे का काम 31 मई तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। बता दें कि जातिगत सर्वेक्षण 38 जिलों में शुरू किया गया है, जिसमें बिहार के तमाम जिलों के 534 ब्लॉक और 261 शहरी स्थानीय निकाय शामिल है। जातिगत जनगणना का पहला चरण 21 जनवरी को खत्म होगा, जिसमें घरों की संख्या की गणना की जानी है, जबकि इसके बाद दूसरे चरण में जाति संबंधी जानकारी घर घर जाकर लोगों से लेकर एकत्रित की जाएगी। वहीं बात अगर भागलपुर की करें तो जातिगत जनगणना को लेकर जिले के डीएम सुब्रत कुमार सिंह ने सबौर प्रखंड के झुरकुरिया इलाके से इसकी शुरुआत की है, जिसके लिए 7035 प्रगणक और 24 चार्ज अधिकारी को लगाया गया है। जनगणना कार्यों में शिक्षकों, पीआरएस और कई सरकारी कर्मियों को लगाया गया है। प्रथम चरण की गणना में मकान का नंबरीकरण हो रहा है, जबकि दूसरे चरण में उसी मकान में रहने वालों से 26 तरह के सवाल कर लिस्ट तैयार किया जाना है। इसके लिए तैयार किए गए पोर्टल और ऐप पर मुखिया का नाम दर्ज होगा। वही भागलपुर जिले में करीब 10 लाख मकानों की गिनती और नंबरीकरण का लक्ष्य रखा गया है। इसको लेकर जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने बताया कि जातिगत जनगणना के सर्वेक्षण रिपोर्ट से समाज में संतुलित विकास को बल मिलेगा। वहीं जातिगत जनगणना को लेकर बिहार राज्य बाल श्रमिक आयोग के अध्यक्ष चक्रपाणि हिमांशु ने कहा कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी को ध्यान में रखकर बिहार सरकार द्वारा जनगणना कराई जा रही है और यह वोट बैंक से जुड़ा मसला नहीं है। मकान नंबरीकरण का कार्य चल रहा है और आप लोग देख रहे हैं कि जो प्रगणक है वो घर घर में जा करके सारी सूचनाएं इकट्ठा कर रहे हैं और जो मकान का नंबरीकरण है, जैसे भवन संख्या, मकान संख्या, ये लिखा जा रहा है। और हम लोगों ने 6 प्रगणकों के ऊपर एक पर्यवेक्षक दिया है, मास्टर ट्रेनर्स भी हैं, जैसे यहाँ के चार्ज ऑफिसर प्रखंड विकास पदाधिकारी हैं, तो वो भी लगातार इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं और सारे ज़िले के वरीय पदाधिकारी आज फील्ड में हैं और इस काम को बहुत तरीके से और जैसा विभाग का गाइडलाइन है उसका अक्षरशः अनुपालन करते हुए इसको हम लोग कंप्लीट कराएंगे। एक बहुत महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है और पूरे राज्य में आज इसकी शुरुआत हुई है। वर्षों से कम उम्र के बच्चों को कहीं होटलों में तो कहीं प्रतिष्ठानों में काम कराया जाता है, जिससे उसका बचपन छिन जाता है और इसके कारण बच्चे पढ़ाई भी नहीं कर पाते हैं। वहीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए बाल श्रमिक आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर चक्रपाणि हिमांशु ने बाल श्रम से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा की और कहा कि बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए आयोग सजग है और बैठक में इसके लिए कई मुद्दों पर चर्चा कर निर्णय भी लिया गया है। डॉक्टर चक्रपाणि हिमांशु ने कहा कि किसी भी संस्थान, दुकान, ईंट भट्टा, होटल, डॉक्टर, नेता एवं पदाधिकारियों के अलावा अन्य जगहों पर काम करने वाले बच्चों को विमुक्त कराकर अच्छी शिक्षा के लिए स्कूल भेजा जाएगा। उन्होंने कहा कि जिस कोरोना काल में जिस बच्चे के परिवार के किसी भी एक सदस्य की मृत्यु हो गई है, उनके लिए इंदिरा आवास और राशन की व्यवस्था की जाएगी। साथ ही अध्यक्ष डॉक्टर चक्रपाणि हिमांशु ने कहा कि लोगों में जागरूकता लाने को लेकर शहर के सभी प्रखंड मुख्यालय, बाजार, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और सभी भीड़भाड़ वाली जगहों पर बैनर, पोस्टर और नुक्कड़ नाटक के माध्यम से प्रचार प्रसार अभियान चलाया जाएगा। आज हम लोग का भागलपुर जिला परिषदन में श्रम परिवर्तन पदाधिकारी का आज बैठक का यह हम लोग पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत आज यहाँ पर किए हैं, जिसमें हम लोगों ने निर्णय लिया है कि हम लोग को समाज के अंतिम व्यक्ति जो कहीं भी प्रतिष्ठान, दुकान, ईंट भट्टा या किसी नेता, डॉक्टर, पदाधिकारी के यहाँ अगर कोई काम करते हैं उसको विमुक्त करना है और उसको पढ़ाई की ओर, विद्यालय की ओर उसको ले जाना है। इसके लिए हम लोग ने जो है आज हम लोगों ने इसके लिए बैठक किया है कि सभी बच्चे को विद्यालय हम लोग को ले जाना है और वैसे बच्चे को भी चिन्हित करना है जो कोरोना काल में जिसका किसी एक परिवार का निधन हो गया और गरीब परिवार से है, उनके लिए हम लोग इंदिरा आवास और राशन की व्यवस्था और कैसे वो विद्यालय जाए, इसके लिए कैसे उसकी अच्छी पढ़ाई हो, इसके लिए भी हम लोग जो है इसके लिए कर रहे हैं।
मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत राघोपुर टीकर से एक सनसनीखेज घटना सामने आई है, जिसमें एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी की घरेलू विवाद में निर्मम तरीके से हत्या कर सुनसान बगीचे में फेंक दिया। वहीं लोगों द्वारा महिला का शव देखे जाने के बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल हो गया, जबकि इसकी सूचना मिलते ही पुलिस तोताखानी बगीचा में पहुंची, जहां महिला के शव को अपने कब्जे में ले लिया। बताया जा रहा है कि घरेलू विवाद में महिला की हत्या कर बगीचे में फेंक दिया गया है, जबकि पुलिस ने मृतक महिला की पहचान मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र के राघव टीकर निवासी पंकज यादव की पत्नी ईशा देवी के रूप में की है। मृतका की सास ने बताया कि पति पत्नी का घरेलू विवाद महीनों से चल रहा था, जबकि घटना के बाद मधुसूदनपुर थाने की पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। वहीं इसके बाद जानकारी मिलने पर सिटी डीएसपी अजय कुमार चौधरी भी मौके पर पहुंची और घटनास्थल की जांच शुरू कर दी। की घटना हुई, दूध देने सुल्तानगंज जा रहे थे। कौन जा रहे थे? कुंदन जी। कौन लगते हैं? हमारा साला जी लगते हैं। कहाँ जा रहे थे? सुल्तानगंज। दिल्ली जाते थे? दिल्ली जाते हैं। किस जगह घटना हुआ? घटना की कमरगंज यात्री सेट के पास। कैसे घटना हुआ? घटना ओवरटेक किया टेम्पो और जो है स्कॉर्पियो, बीच में आ गया था, साइड से जा रहे थे, फेंका गए स्कॉर्पियो के। किससे ठोकर लगा? स्कॉर्पियो से। स्कॉर्पियो से जी। अभी कैसा स्थिति है? स्थिति तो गंभीर है। उम्र कितना होता होगा? कितना उम्र होता होगा? उम्र 45 बरस। भागलपुर समेत पूरे उत्तर भारत में पड़ रही कड़ाके की सर्दी के कारण लोगों का घरों से निकलना जहां मुश्किल हो रहा है, वहीं ऑफिस और जरूरी कार्यों के लिए बाहर जाना लोगों की मजबूरी बन गई है। भीषण ठंड में बर्फीली हवाओं ने मौसम में कनकनी और बढ़ा दी है, जिससे बच्चे और वृद्धजनों के साथ युवाओं को भी घरों में दुबकने की हालत हो गई है। हालांकि रोजमर्रा के काम और नौकरी पेशा लोगों को गर्म कपड़े से पूरे शरीर को ढककर निकलना पड़ रहा है। एक और जहां ठंड के बढ़ते सितम को देखते ही पहले ही जिला प्रशासन के आदेश पर 8वीं कक्षा तक के स्कूलों को बंद कर दिया गया है, जबकि तेजी से चल रही पछुआ हवा ने भी लोगों की मुश्किल काफी बढ़ा दी है। इस हाड़ कपाने वाली ठंड से ना सिर्फ सड़कों पर बल्कि घर के अंदर रहकर काम करने वालों के भी हाथ पैर जैसे सील हो जाते हैं। वहीं मौसम विभाग के अनुसार फिलहाल अगले कई दिनों तक कनकनी और भीषण ठंड से राहत मिलने की संभावना नहीं है। शनिवार को भी सुबह से तेज बर्फीली हवाओं के कारण मौसम सर्द बना रहा, जबकि दोपहर बाद भगवान सूर्य की हल्की झलक देखने को मिली, जिसके बाद लोगों को राहत की उम्मीद दिखी, लेकिन तेज हवाओं के कारण ठंड पर धूप का अधिक असर नहीं दिखा। जिला स्तरीय युवा महोत्सव में बेहतर स्थान प्राप्त कर चयनित हुए प्रतिभागियों का दल शनिवार को मुजफ्फरपुर में होने वाले राज्य स्तरीय युवा महोत्सव में शामिल होने के लिए रवाना हो गया। 2 दिवसीय राज्य स्तरीय महोत्सव के लिए 62 कलाकारों का दल भागलपुर समाहरणालय परिसर से बस द्वारा मुजफ्फरपुर के लिए रवाना हुआ। इस दल में राज्य भर के बच्चे शामिल होंगे। वहीं इसमें प्रथम आने वाले छात्र छात्राओं को केरल में राष्ट्रीय स्तर पर होने वाले प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए भेजा जाएगा, जबकि प्रतियोगिता के दौरान नृत्य, गायन, तबला, वादन सहित 16 विधाओं में प्रस्तुति के लिए कलाकार अपनी कला की प्रस्तुति देंगे। ये राज्य स्तरीय युवा उत्सव की जो आयोजन हो रही है मुजफ्फरपुर जिला में हो रही है, और 8 और 9 तारीख को जो बच्चे इसमें प्रथम स्थान प्राप्त करेंगे, भिन्न भिन्न विधाओं में प्रतियोगिताएं जो हमारे जिला स्तर पे हुई थी उसी को राज्य स्तर पे भेजा जा रहा है। जो यहाँ प्रथम प्रतिभागी हुए थे, प्रथम पुरस्कार लिए थे, उनको राज्य स्तर पे भेजी जा रही है, और राज्य स्तर में जो भी प्रथम पुरस्कार लेंगे उनको फिर जो है कर्नाटक राष्ट्रीय महोत्सव में उनको भेजा जाएगा। और ये हमारे 62 बच्चे टोटल लड़का और लड़कियों मिला करके है, और टोटल 14 इवेंट को लेकर के हमारी बस भागलपुर से मुजफ्फरपुर के लिए रवाना हो रही है। अब वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे, देखते रहिए सिल्क टीवी।
ब्रेक के बाद फिर से एक बार आपका स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। भागलपुर के जगदीशपुर कोकरा नदी के समीप नवनिर्मित छठ घाट का उद्घाटन शनिवार को नाथनगर विधायक अली अशरफ सिद्दीकी ने फीता काट कर किया। विधायक निधि के 11,61,500 की लागत से निर्मित छठ घाट के बन जाने से छठ व्रतियों को काफी सुविधा होगी। बता दें कि इस घाट के निर्माण की मांग स्थानीय लोगों द्वारा वर्षों से की जा रही थी। इस दौरान विधायक ने कहा कि इस क्षेत्र में पीने के पानी की समस्या एवं सिंचाई की गंभीर समस्या है और इसके निदान के लिए प्रयास किया जा रहा है। साथ ही विधायक ने बताया कि चांदन नदी में 43 जगह चेक डैम बनाने के लिए सरकार को पत्र लिखा गया है जिससे किसानों के खेत तक पानी पहुंचाया जा सके और इसका प्रारूप बनाकर सरकार के पास भेज दिया गया है। मौके पर राजद के युवा जिलाध्यक्ष वसारुल हक, विधायक प्रतिनिधि मोहम्मद ताज, रंजीत यादव, युवा जिला महासचिव शुभम कुमार पंजियारा सहित काफी संख्या में कार्यकर्ता एवं ग्रामीण मौजूद थे। बदलते समय के साथ अब बिहार में ग्रामीण महिलाएं सिर्फ चूल्हे चौके तक ही सीमित नहीं है बल्कि अपने परिवार के पालन पोषण के लिए महिलाएं अब खेत खलिहानों से भी जुड़ती जा रही हैं। घर की चार दीवारी से बाहर निकलकर सामाजिक बंधनों को तोड़ते हुए अब महिलाएं भी खेती किसानी करती दिख रही है। वहीं इसको देखते हुए आजकल के कई युवा और महिलाएं भी इन महिला किसानों से प्रेरणा ले रहे हैं। दरअसल भागलपुर जगदीशपुर की महिला किसान संगीता देवी को देश भर में किसान दीदी के नाम से भी जाना जाता है और बिहार के भागलपुर जगदीशपुर के रहने वाली किसान दीदी संगीता देवी ने खेती में अपनी एक अलग ही पहचान बनाई है। संगीता देवी खुद ही खेत में हल चलाकर धान और सब्जी के फसल की खेती करती है जिसके बाद उसे खुद काटकर बाजार तक पहुंचाती है। वहीं किसान दीदी संगीता देवी का कहना है कि सरकार को महिला किसानों के हित में भी आगे बढ़कर काम करना चाहिए क्योंकि महिलाएं जब सक्षम होंगी तो खेत खलिहान के साथ परिवार में भी खुशहाली आएगी। बता दें कि संगीता देवी ने 15 महिलाओं की एक टीम बनाकर जगदीशपुर ब्लॉक की महिलाओं को खेती करने के लिए जागरूक किया है जिसके कारण अब तक 100 से अधिक महिलाएं इस खेती से जुड़ चुकी हैं। हाँ, खेती तो जैसे आलू का हुआ जिस समय पर जैसे तो उसको पहले हल से जुताई होता है उसके बाद और उसके बाद आलू ला के और हम लोग सब बांध मिल के इसमें आलू रोपते हैं। कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है क्योंकि आप महिला होकर के खेती कर रहे हैं। हाँ, महिला होकर खेती कर रहे हैं और सिर्फ अकेले नहीं, हम लोग बहुत सारे महिला हैं, जैसे कि 20 महिला हो, 10 महिला हो, एकजुट मिल के और काम करते हैं। घास को काट, जंगल झाड़ साफ करते हैं, घास करते हैं। अच्छा, हल भी अपने से चलाए हैं? बोलिए। हाँ, क्या हल चला रहे हैं? हल अपने से चलाए, अपने से लगाए। क्या लगाए हैं अभी खेत में? मसूर है? मसूर। वो आलू भी है ना? हाँ। कड़ाके की ठंड को देखते हुए रोटरी विक्रमशिला पिंक क्लब की ओर से भागलपुर के ब्रह्मपुरा में 150 जरूरतमंद लोगों के बीच कंबल वितरण किया गया जिसमें लगभग 12 दिव्यांग एवं 50 से अधिक वृद्ध जनों को कंबल दिया गया। कंबल वितरण के दौरान वार्ड नंबर 33 की पार्षद तबस्सुम परवेज, अफसाना, रिफत जहां और सादिक हसन भी मौजूद रहे। वहीं क्लब के अध्यक्ष अंजना प्रकाश, पूर्व अध्यक्ष चंदना चौधरी समेत कई महिला सदस्यों ने कंबल वितरण में हिस्सा लिया जबकि अध्यक्ष अंजना प्रकाश ने बताया कि उनके क्लब के द्वारा हर वर्ष ठंड में जरूरतमंदों के बीच कंबल वितरण किया जाता है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।